चीन की जीरो कोविड नीति को लेकर सनक इस कदर बढ़ गई है कि राजधानी बीजिंग में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। चीन ने बीजिंग में कोविड 19 के मामलों में एक बार फिर वृद्धि होने के मद्देनजर कर्मचारियों और छात्रों के लिए घर पर रहने के आदेश की अवधि बढ़ा दी तथा सोमवार को व्यापक पैमाने पर अतिरिक्त जांच के आदेश दिए। चीनी राजधानी में कई रिहायशी इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि शहर में हालात संघई से कहीं बेहतर है, जहां 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। बीजिंग में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 99 मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले आए 50 मामलों से अधिक है। कुल मिलाकर चीन में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 802 नए मरीज मिले। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने पृथकवास के सख्त नियम लागू किए हैं, लॉकडाउन लगाया गया है और जांच तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग में कोरोना संक्रमण नियंत्रित से बाहर होता जा रहा है। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि शहर में मौजूद रेस्टोरेंट, स्कूल और पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहा है और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में अंधेरी बिल्डिंग के सामने सैकड़ों लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे। क्वारंटाइन सेंटर में बंद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कई लोगों को कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बावजूद 28 अप्रैल से इन क्वारंटाइन सेंटर में बंद रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि इन अंधेरों कमरों में बंद लोगों में कई बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रीनशॉट के अनुसार सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपने कपड़े और आवश्यक सामान पैक करने के लिए कहा गया है और उन्हें गाड़ी में डालकर भेज दिया गया। इस बीच उनके घरों को सैनिटाइज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN.